तो दोस्तों आज मैं और मम्मी और एक आदमी को हमने बुला रखा है, कोई पड़ोस के ही है। तो हम जा रहे हैं अपने पुराने घर की छत को मरम्मत करने। जो ऊपर की छत है दरूने लंगूरों ने उस खत्म कर दिया था छत का। थोड़ा मिट्टी तो मैं लेके आ गया हूँ उस घर में, एक सीढ़ी लेके आए हैं, हथौड़ा लेके आए हैं। पत्थर की छत होती है, यहाँ पहाड़ी भाषा में पाथर बोलते हैं उनको, पतले पत्ते होते हैं उससे छत बनाई जाती है पत्थर से। बारिश का मौसम हो गया तो घास वास उग गई है खेतों में, गायों के लिए खेत में ही घास है, चराने के लिए कभी लेके आएंगे नीचे को। पुराना वाला घर है उसकी गौशाला है वो अभी ठीक ठाक है, तो उस गौशाला में जो हमारे गाय है उनको बांधेंगे। घास वास मतलब नजदीक हो जाता है, मतलब दूर जाना नहीं पड़ता है घास लेने के लिए। कभी आ जाएंगे घर को यहीं को, तो छत तो ठीक ठाक ही चाहिए, बारिश का मौसम है तो छत ठीक करने आए हैं आज हम, तो छत की मरम्मत करेंगे अभी। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ ये पानी भरने, इस घड़े में पानी भर के लाना है। पानी का सोर्स यहाँ फिर ये गधेरा टाइप का है ये, तो यहाँ से पानी आ रहा है ये। जब पहले थे ना हम यहाँ इस वाले घर में, तब कभी नल में पानी नहीं आता था, ऐसे ही भर के लाते थे हम उसके धीरे से। हाँ ये चट्टानी गिरा है वहां जाते थे हम पानी भरने बचपन में। तो ये है हमारा पुराना घर, 6-7 साल हो गए इसको छोड़े हुए। ये रोशनदान जैसा दिख रहा है, इसकी रिपेयरिंग करनी है, बहुत जगह हुए हैं ऐसी। तो ये है पुराना घर, अंदर का इस तरीके का हाल है ये। ऊपर से अगर हम छत को ठीक करेंगे तो पानी रुक जाएगा जो अंदर आ रहा है ये पानी। ये हालत हुई है जो ये हालत हुई है, ये रुक जाएगा ऊपर से, छत से आना रुक जाएगा। तो उसके बाद ये अगर सही रहेगी इसकी कंडीशन, तो नीचे जब गाय बांधेंगे तो वहां भी पानी नहीं जाएगा। मतलब इसकी सुरक्षा के लिए ये पहले सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। छत में चढ़ने के लिए यहाँ से सीढ़ी लेके आए हैं, ये सीढ़ी में चढ़ेंगे फिर ऊपर ये रिपेयर करेंगे। प्लास्टिक के भी टुकड़े लेके आए हैं 2-3, छत तो रिपेयर कर लेंगे फिर भी जहाँ पे मिट्टी उट्टी लगाएंगे अभी हम वहाँ पे, उसके बाद बारिश हो जाएगी तो मिट्टी बह जाएगी पानी के साथ, उसके लिए ये प्लास्टिक रख देंगे उसके ऊपर से। इस तरीके से ये छत की रिपेयरिंग की जा रही है। इसको भी सही करना पड़ेगा। छत की रिपेयरिंग करनी हो तो बोला तुरंत कॉल करें। क्या कहना चाहेंगे मम्मी यहाँ पे जो ये छत की रिपेयरिंग कर रहे हैं, अभी इससे क्या फायदा मिलेगा हमें? फायदा जरूर मिलेगा ना, अंदर पानी नहीं आएगा कमरे में। जब हम यहाँ रहते तो ये किचन था, अब अंदर बिच्छू घास जम गया है, घास फूस बहुत जम गई है अंदर। इसमें लेके आए थे हम ये मिट्टी, पत्थर लगाने थे वो पत्थर लगा दिए हैं ये। अब ये मिट्टी से जो मैंने साथ के ऊपर लेके आया था छत में, उस मिट्टी से अच्छी रिपेयरिंग की जा रही है। होगा ना कुछ फर्क इसमें, होगा क्यों नहीं होगा फर्क? अरे क्यों नहीं होगा यार, सर फर्क क्यों नहीं होगा, कितने साल तक टिकेगा ये? साल तो कहाँ टिकेगा यार, है? अगले साल तो इसमें टीन लगानी पड़ेगा, टीन लगानी होगा ये। अच्छा का जुगाड़ कर, कहीं पेड़ गिरा कहीं बड़ा सा, उसमें बना तो 10-15-20 तक थे। अच्छा वाह क्या ट्यून है यार, आराम रखा है बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। Thank you.
फाइनली कंप्लीट हो गया छत की रिपेयरिंग, छत नहीं टपकेगी अब मतलब।